आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाए जाने पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने जताई खुशी। मंत्री मलय घटक और आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाए जाने पर स्वागत करते हुए उपचुनाव में जीत का दावा किया। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष दिलीप डे ने स्पष्ट किया, बीजेपी उम्मीदवार के नाम पर फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व करेगा। आगामी 12 अप्रैल को होने वाले आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और जाने माने बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। रविवार को ही तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की। शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाए जाने का आसनसोल के तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया है। राज्य के कानून और पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक ने आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी जताते हुए कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने इससे पहले भी सांसद का दायित्व निभाया है और वह बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता रहे हैं। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सिन्हा इतिमध्ये एमपी दायित्व पालन कर हिंदी जगत चलचित्र जगतर अत्यंत नामजादा नायक छिलेन एवं प्रतिवादी मुख सब समय लोकसभा भलो परफरमेंस करेछेन। आमी मने करी जे आसनसोले आमरा सौभाग्य जे शत्रुघ्न सिन्हार मतो एकजन मानुषके आमरा प्रार्थी हिसेबे पेयेछि। आसनसोल नगर निगम के मेयर और तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय ने भी शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाए जाने का स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि पिछले विधानसभा और नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लोकसभा के उपचुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस जीत हासिल करेगी। सुस्वागतम एवं दीदी के धन्यवाद नय दीदी के सैल्यूट जे एक जन भालो एक जन के पार्टी खाना पाठिए छेन। निश्चित भावे एखानकार जरा तृणमूल कर्मी आछे साधारण मानुष आछे एर जन्य आनंदित हबे। कतटा आशावादी जितार एबार 100% आशावादी आशावादीर बेपार ना आमरा तो एमनिते कर्पोरेशन गोटाटाते जितेछि आमरा एमएलए भोटेओ जितेछि सेखाने आशावादीर बेपार ना जितबो। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जिला अध्यक्ष दिलीप डे ने शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसकी मालिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा इस पर बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। कंपनी और मालिक एकजन ही आछे ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी मालिक तार के कैंडिडेट हो डिक्लेयर करते ওদের বেশি সময় লাগে না। আমাদের একটা সর্বভারতীয় সংগঠন, তার একটা প্রসেস অনুযায়ী ক্যান্ডিডেট বাছাই হয়, তো ক্যান্ডিডেট বাছাইয়ের প্রক্রিয়া চলছে। এবার ওটা কেন্দ্রীয় স্তরে, ওটা যখন কেন্দ্রীয় স্তর থেকে ওই ক্যান্ডিডেটের যে নামটা যাবে সেটা যখন ওখানে সহমতির সাথে যেটা যে নামটা আসবে ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে, ওটার জন্য কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের বিজেপি তো কোনো কোম্পানি নয়, এটা সাংগঠনিক দল আছে, প্রসেস চলছে, খুব শীঘ্র আমাদের ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে। আপনাদের মনে হচ্ছে না এই ফিল্ম স্টার আসছে, হ্যাঁ, তার থেকে এখানে কোনো আপনাদের চাপ পড়তে পারে? কোনো চাপ পড়বে না, এখানে আসানসোলে জনগণ এই ধরনের যারা ক্যান্ডিডেট ফিল্ম স্টার বা গায়ক এদের উপরে মানে আর ক্যান্ডিডেট জনগণ একদম বিতঃসদ্ধ হয়ে আছে। আসানসোলের আমার যেটা মনে হচ্ছে জনগণের এটা দাবি আছে যে এখানে যারা সবসময় পাওয়া যাবে এরকম ক্যান্ডিডেট হলে ভালো হবে, এটাই চয়েস করবে, দেখা যাক। এখন মিঠুন চক্রবর্তীর নাম একটা আসছে, আপনাদের কি ওটা? না, মিঠুন চক্র না, আমাদের পার্টি সর্বোপরি আছে, পার্টি যাকে ক্যান্ডিডেট করবে আর তাকেই আমরা পুরো সংগঠন তার হয়ে আমরা কাজ করব।
आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।